मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज इन सिंगापुर ही इज मीटिंग बिजनेस डेलीगेट्स द इंडियन कम्युनिटी और सिंगापुर में उनको वार्म वेलकम किया गया है उनके काउंटर पार्ट उनको लेने के लिए नरेंद्र मोदी साहब की गाड़ी तक पहुंचे हैं चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको कैसे ठीक करना है? मैंने अभी आपको बताया है कि चाइना एंड आसियान एंड सिंगापुर हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इंडिया कैसे अपनी स्पेस को कंटिन्यूली बनाई रखता बनाए रख सकता है पाकिस्तानियों को तो ये साउथ ईस्ट नजदीक नहीं घुसने देते जो विजिट कर रहे हैं ना मोदी नहीं विजिट कर रहे या आप गलत है हम लोगों का कि मोदी इस्लामिक ममालिक मोदी तो खुद कटपुतली है मोदी को किसने वजीम बनाया है मोदी किस मोदी को लाने वाले ही कुछ हो रहे हैं मोदी का काम इंडिया में क्या है किसी होटल की ओपनिंग पे चले जाओ मोदी का काम है किसी स्कूल कॉलेज की यूनिवर्सिटी की ओपनिंग पे मोदी का तो ये काम ही नहीं है मुदी को चलाने वाले अंबानी हुआ हुए टाटा हुए, वो बड़े -बड़े है हुए बड़े बडे बिजनेसमैन लोग हैं। आपने ये बात की है ना कि ये मुसलमान से नहीं ये बात नहीं है बात असल में यार इन्होंने कितना पहले काम करना शुरू कर दिया हमने मुसलमानों को इस्लाम बेचा अमरीका को स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेची और अवाम को खाब बेचे

Uh, वो इंडिया uh, बेसिकली तो असल में लार्जली जिस चीज़ को देखना चाहिए वो है चाइना नमस्कार दोस्तों जय हिंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्नोई की यात्रा को समाप्त करने के बाद सिंगापुर पहुंच चुके हैं पीएम मोदी दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र के साथ रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से दो दिवसीय यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे सिंगापुर में ढोल नगाड़ो के साथ उनका जोरदार स्वागत हुआ इस दौरान पीएम मोदी भी कलाकारों के साथ ढोल बजाते नजर आए वही प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़ी कुछ भारतीय मूल्य की महिलाएं ने उन्हें राखी भी बांधती नजर आई पीएम मोदी जैसे ही सिंगापुर में ने होटल में पहुंचे वहां भारी संख्या में मौजूद भारतीय समुदाय के लोग ने उनका जोरदार स्वागत किया शाम को सिंगापुर के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के लिए निजी रात्रि भोज का आयोजन किया कल उनका कार्यकाल बहुत स्वस्थ है सुबह में उनकी सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ बैठक होगी वे सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ सेमी कंडक्टर सुविधाएं ए आई एम का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री के पास व्यापारिक कार्यक्रम भी है जिसमे वो सिंगापुर के कंपनियों के सी से मिलेंगे ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की ईस्ट एक्ट नीति को भारत की पैसिफिक के दृष्टिकोण से लेकर भारत सिंगापुर आर्थिक संबंधों और भारत सिंगापुर तकनीकी संबंधों को एक बड़ा बढ़ावा देगी ये सभी बातें दोनों देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो मोदी सिंगापुर में है और सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो के लॉरेंस वोंग ये उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे जब इंडिया सिंगापुर जो है वो थ्री प्लस फोर डायलॉग हुआ था और अभी वो 2024 मई में, में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिनसे नरेंद्र मोदी अभी थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे इंडिया uh, ऑलरेडी इस चीज़ को जानता था कि सिंगापुर की अहमियत क्या है और इसको कैसे लेके चलना है इंडिया uh, और सिंगापुर जो है दे आर बेसिकली फोकसिंग प्राइमेरलीन सेमी सेमीकंडक्टर्स ठीक है जी इंडिया सिंगापुर रिलेशन जो है ये कहा जा रहा है कि इट इज़ गोइंग टू बी ए बिगर टेक ऑफ ये बहुत बड़ा टेक ऑफ है जो इंडिया और सिंगापुर के दरमियान जो है वो करने जा होने जा रहा है इंडिया इंडिया का इज वन ऑफ ऑफ सोर्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन मेरा ख्याल है तकरीबन 11-12 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो हो रही है सो so, आसियान में इंडिया सिंगापुर को बहुत अहमियत देता है फोकस किस चीज पे है आई विश के पाकिस्तान की लीडरशिप यार इन सवालों पे भी बात करें मैं आप जो चीजें आपको बताने लगा हूं आप देखिए हैज हैव वी एवर हर्ड अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग अबाउट डिजिटाइजेशन कनेक्टिविटी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग क्या इस बला का नाम है जो इंडिया और सिंगापुर जिस पे फोकस करने लगा ठीक है जी तो दूसरी बात क्या है कि नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं पहले उनके मिनिस्टर्स काम कर लेते हैं पहले उनकी बिरोक्रेसी उसके ऊपर काम कर लेती है फिर वो अपने वजीर आजम को भेजते हैं हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले चले जाते हैं हमारे मिनिस्टर और बिरोक्रेसी बाद में फॉलो करती है हमारा काम ही डिफरेंट है क्योंकि हम हमने टच देना होता है ना ऊपर से टच आना होता है हमारे आर्मी चीफ पहले जाएंगे बाद में बिरसी भेजेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले जाएंगे बाद में भेजेंगे सो हमारे तो बहुत पुठे काम है इतने पुठे काम हैं कि आपकी सोच हो सकती है मैंने आपको बताया कि इंडिया आसियान जो है वो इंडिया बेसिकली तो असल में लार्जली जिस चीज़ को देखना चाहिए वो है चाइना ठीक है जी और दोनों मुल्क जो हैं वो डिफेंस पे इंडिया बेसिकली सिंगापुर को डिफेंस कोऑपरेशन पे करना चाहता है इंडियन चाइनीज़ जो है वो बड़े स्मार्ट हैं चाइनीज़ किसी को कुछ भी नहीं कहते चाइनीज किसी को कुछ भी नहीं कहते चाइना जो है वो आसियान का एक बड़ा डायलॉग uh, पार्टनर है सिंस 1991 जी है जी uh, 2003 में इंडिया चाइना आसियान पार्टनरशिप जो है स्ट्रटेजिक पार्टनरशिप चाइना ने फिर अपना एक अम्बेसडर भी दो में आसियान में लगा दिया एंड सिंगापुर इज इंपॉर्टेंट सिंगापुर इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस सारी गेम के अंदर ठीक है सो so, मुझे ऐसा लगता है जो uh, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन हैं सारी की सारी दे आर नॉट दे आर वेरी अनकंफर्टेबल पुशिंग बैक चाइना और uh, आप देखिए कि आइंदा आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी अपनी स्पेस बनाने चले गए वहां पर नरेंद्र मोदी जो है वो uh, उस चीज को पता है कि आसियान ने 2021 में इक्कीस में पार्टनरशिप साइन की चाइना के साथ ठीक है जी और अपने ताल्लुक को उन्होंने जिसे वो कहते हैं ना जैसे मैंने पहले बताया कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2003 में की लेकिन इन द मिस्ट ऑफ इन दी इन दी इन द हाइट ऑफ ऑल दिस जो रिलेशन uh, चल रहे हैं उसमें आप देखें कि uh, आसियान ने एक कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि अमेरिकन इन्फ्लुंस और जो भी है वो उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है वो समझते हैं कि नहीं हम आसियान और चाइना को काम करने की जरूरत है एंड रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी है इनकी मौजूद है ठीक है जी थी। और 10 साल हो गए हैं सिंगापुर इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को यार इन्होंने कितना पहले काम करना शुरू कर दिया दिस इज वॉट द पाकिस्तान इज मस्ट अंडरस्टैंड हमने मुसलमानों को इस्लाम बेचा अमरीका को स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेची और अवाम को खाब बेचे सीधी सी बात करनी चाहिए और दे हैव बिन वर्किंग फॉर लॉन्ग ठीक है जी और जो अलीड थी पाकिस्तानी उन्होंने सारे अपने बच्चे सारे अमेरिका इंग्लैंड कनाडा यूरोप शिफ्ट किए ठीक है, है पाकिस्तान में वो छुट्टियों पे चले जाते हैं ये एक हमारा वो है ना जो एक एक सिस्टम चीज़ें चली आ रही हैं हमारे लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये ठीक है आ, कि ये जो कुछ होने जा रहा है मैं देख रहा हूँ जो कि किस अंदाज से इंडिया सिंगापुर जो है वो डिजिटाइजेशन जैसे मैंने आपको पैसे बताया कनेक्टिविटी की एडवांस मैनुफैक्चरिंग की इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं दे आर फोकसिंग ऑन दिस ठीक है जी और डॉक्टर शंकर कहते हैं हमें नेक्स्ट पे इस रिलेशनशिप को लेके जाना चाहिए सो बिगर ट्रांसफॉर्मेशन दैट विल बी देर लेकिन असल में इंडिया परेशान है कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको कैसे ठीक करना है क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस वक्त गाड़ी से बाहर निकले हैं और वो बाहर निकल के उन्होंने मुड़ के देखा है तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे उनको गले मिलने के लिए हक करने के लिए और उनको रिसीव करने के लिए तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बहुत वार्मली वेलकम किया है मोदी साहब का एक बहुत बड़ा बहुत अहम विजिट था ब्रोनाई का जो वो वहाँ से कंप्लीट करके पहुंचे हैं सिंगापुर और आप जानते हैं कि ब्रोनाई के विजिट पर हम पहले ही बात कर चुके हैं और ब्रोनाई के विजिट पर उन्होंने आ, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जो कि इंडिया की तरक्की में आगे बहुत अहम किरदार अदा करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के वहाँ पर मिलने से पहले नरेंद्र मोदी साहब का एक मोमेंट ढोल मोमेंट कहा जा रहा है कि ये ढोल मोमेंट है जो वायरल हो रहा है अब ढोल मोमेंट क्या है नरेंद्र मोदी का नरेंद्र मोदी साहब का ढोल मोमेंट यह है कि जब वो वहां पर पहुंचे तो इंडियन डायस्पोरा ने एज यूजल उनको बहुत वार्मली वेलकम किया अच्छा इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर जो मौजूद था उन्होंने अपना एक ट्रेडिशनल डांस कथक भी पेश किया और साथ ही ढोल वहाँ पर मौजूद था ढोल बजा के उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जो है वो वेलकम किया तो जाहिर है कि जब इंडियन डाइस्पोरा वहाँ पर मौजूद है तो अपने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पर ढोल बजाया